भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो अपनी चमत्कारी प्रवृत्ति और अविश्वसनीय मान्यताओं के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक स्थान कर्नाटक के हासन जिले में है जो अपने चमत्कारों के लिए पूरे भारत में विख्यात है। हम बात कर रहे हैं अद्भुत हसनंबा मंदिर की। स्थानीय धारणा है कि इस मंदिर के नाम पर ही इस जिले का नाम हासन पड़ा। यहाँ विराजमान देवी को हसनंबा माता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि मान्यता है कि ये देवी हमेशा हंसती रहती हैं। कर्नाटक का ये अद्भुत मंदिर वर्ष में केवल दीपावली के समय ही खुलता है और फिर एक साल के लिए पुनः बंद हो जाता है। जी हाँ, ये मंदिर वर्ष के अश्विन माह के पहले गुरुवार से सिर्फ एक हफ्ते तक ही भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है। इस एक सप्ताह में हसनंबा यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। इस दौरान देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं तथा अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए भगवान को पत्र लिखते हैं। महोत्सव के आखिरी दो दिनों में मंदिर में विशेष अनुष्ठान का आयोजन होता है जिस दौरान मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। हासन जिले में स्थित हसनंबा मंदिर जिस कारण से प्रसिद्ध है वह है यहाँ होने वाला चमत्कार। दरअसल जब मंदिर के कपाट फिर से बंद किए जाते हैं तब यहाँ एक दीप जलाया जाता है। माता को ताजे पुष्प अर्पित किए जाते हैं और प्रसाद के रूप में पके हुए चावल अर्पित किए जाते हैं। लेकिन एक वर्ष बाद जब इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। दरअसल एक वर्ष बाद जब पुनः इस मंदिर के पट खुलते हैं तो माता के चमत्कार से पुजारियों द्वारा एक वर्ष पूर्व जलाया हुआ दीपक जलता हुआ ही पाया जाता है। माता को अर्पित किए गए ताजे पुष्प उसी ताजी अवस्था में ही मिलते हैं और प्रसाद के रूप में अर्पित किए गए पके हुए चावल भी पवित्र रूप में मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर से जुड़ी एक और चमत्कारिक बात है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक पत्थर रखा है जो माँ की मूर्ति की तरफ लगातार बढ़ रहा है। मंदिर परिसर के अंदर चींटियों की बांभी भी है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के निर्माण और गर्भगृह में स्थापित मूर्ति के विषय में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की मंदिर की संरचना और वास्तुकला है उससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि हसनंबा मंदिर होयसल वंश के राजाओं द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया होगा। हालांकि मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थित गोपुरम 12वीं शताब्दी के बाद बनवाया गया है। इस मंदिर के जलते दीपक, ताजे फूल और प्रसाद के रूप में अर्पित चावल कैसे एक वर्ष बाद भी उसी अवस्था में मिलते हैं, यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। यदि आप इस अद्भुत मंदिर के इस चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।